हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आई फ्लू क्या होता है, इसके कारण क्या है, कैसे आप आई फ्लू से बच सकते हैं और आई फ्लू होने के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और डॉक्टर अक्सर कौन से ड्रॉप आई फ्लू में प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि आपको 2 से 3 दिन में ही आई फ्लू से आराम पड़ जाता है। दोस्तों आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस एक आँख की बीमारी है जो बैक्टीरिया, वायरस या किसी एलर्जी की वजह से होती है। दोस्तों ऐसा अक्सर देखा गया है कि मानसून के दौरान आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो मौसम है ये बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बैक्टीरिया और वायरस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में ये इन्फेक्शन पैदा करने में बहुत ही सक्षम हो जाते हैं और अक्सर आई फ्लू जो है मानसून में ही देखा जाता है। दोस्तों ये एक कंटीजियस बीमारी है, मतलब ये एक से दूसरे तक बहुत तेज़ी से फैलती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आई फ्लू के कारण क्या है। दोस्तों आई फ्लू स्पेशली मुख्य तौर से वायरस की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी इसमें बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो जाते हैं या किसी एलर्जी की वजह से भी आई फ्लू हो जाता है। दोस्तों अभी बात करते हैं आई फ्लू के सिम्टम क्या क्या होते हैं। दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम आती है आई फ्लू के दौरान उसमें आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों से पानी आता है, आँखें सूज जाती हैं, खुजली होती है, दर्द होता है और बहुत सारे केसेस में धूप भी बर्दाश्त नहीं होती है और कभी कभी सर दर्द भी होने लगता है। ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है आई फ्लू के और कभी कभी देखा जाता है कि आँख के साइड से या आँखों से कीचड़ जैसा भी आता है, वो कभी वाइट होता है और कभी कभी येलो कीचड़ भी आता है। ये सभी कॉमन सिम्टम है, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये सभी आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम होते हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि आप कंजंक्टिवाइटिस होने के दौरान या उससे बच सके। अगर आप कंजंक्टिवाइटिस से पीड़ित हैं तो आपको अपनी आँखों को बार बार पानी से धोना चाहिए, साफ पानी से धोना चाहिए, आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए और आपकी आँखों से जो कीचड़ निकल रहा है या जो लिक्विड निकल रहा है, क्योंकि इसी से ही ये दूसरे लोग को होता है, तो इसको आप एक साफ़ कपड़े से या गीले कॉटन से बार बार पोंछते रहना चाहिए और उसको एक अच्छे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। ये किसी के भी कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। आपको हो सके तो काला चश्मा पहनना चाहिए और कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप पहनते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड करने चाहिए, ऐसे में आपको नहीं पहनना है। आपको गर्म पानी या ठंडे पानी से सेक करना चाहिए, इससे आपको बहुत आराम पड़ेगा क्योंकि इससे आपकी इरिटेशन भी कम होगी और सूजन भी कम होगी और आपका पेन भी काफ़ी कम हो जाएगा। दोस्तों आपको धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना आपको धूप में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो दोस्तों ये कॉमन प्रॉब्लम है और 2 से 3 दिन में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी लोगों में देखा गया है कि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आँखों में सूजन भी काफ़ी आ जाती है, पेन होता है और ये ठीक नहीं होता है। ऐसे में आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी आई ड्रॉप डालनी है। दोस्तों डॉक्टर जनरली या तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप लिखते हैं या फिर आर्टिफिशियल टीयर की ड्रॉप लिखते हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन सी ड्रॉप है जो आपको आई फ्लू से तुरंत छुटकारा दिलाने में मदद करेंगी। दोस्तों ये मॉक्सीसिप आई ड्रॉप है, इसको सिप्ला द्वारा बनाया जाता है, एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की आई ड्रॉप है। दोस्तों एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी और आपकी आई फ्लू की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा दिलाएगी। दोस्तों ये टोबा आई ड्रॉप है, दोस्तों ये टोब्रामाइसिन है, ये भी एक एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल है जो कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ठीक करेगा और कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी आराम दिलाएगा। दोस्तों ये सिप्लॉक्स आई ड्रॉप है, इसको सिप्ला द्वारा बनाया जाता है, इसमें है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एक एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप है जो आपकी आंखों के इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों ये टीयर ड्रॉप है, ये एक आर्टिफिशियल टीयर की ड्रॉप है। आर्टिफिशियल टीयर की बहुत सारी ड्रॉप आती हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि
आई फ्लू में जनरली, क्योंकि जब ये वायरल डिसीज़ है इसमें कोई भी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप इसमें आर्टिफिशियल टीयर की ड्रॉप जैसे कि टीयर ड्रॉप, रिफ्रेश टीयर ड्रॉप, इको टीयर ड्रॉप ये डालते हैं तो ये आपकी आंखों को ऑटोमेटिकली नेचुरली क्लीन करेंगे और आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। साथ में आप पायरीकॉल ड्रॉप है दोस्तों, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, जिसमें डेक्सामेथासोन और क्लोमफेनिकॉल होता है। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है जो आपकी आंखों में होने वाली एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, इरिटेशन है, उसको कम करता है, और क्लोमफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करेगा। और दोस्तों ये ड्रॉप है पायरीवैक ड्रॉप, डेक्सामेथासोन एक मिसाइल ने बताया आपको, स्टेरॉयड होने की वजह से आपकी आंखों में होने वाली स्वेलिंग को, इरिटेशन को, पेन को कम करता है, और क्लोमफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करेगा। और इस तरह से ये ड्रॉप के यूज़ करने से आपके कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको याद रखना है कि आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना है और ख़ुद से कोई आई ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आप बताए हुए तरीके से प्रिकॉशन का फॉलो करेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो आपकी आई फ्लू की प्रॉब्लम 2 से 3 दिन में ही ठीक हो जाएगी। और अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मेसिस्ट को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।